या क्या है? ये बफर है, इसमें दो टाइप के बफर होते हैं, 6.8 एंड 7.3, ठीक है। एंड दिस इज वॉश। वॉश का क्या है, वॉशिंग का क्लीन, ये एक्चुअली रेजेंट है। वॉश का क्या है, वॉश क्लीनिंग करता है, जब भी आप सैंपल देंगे या कैलिब्रेशन। दिस इज रेजेंट, दिस इज वॉश, दिस इज वॉश, ये क्लीन करता है। दिस इज वेस्ट, वेस्ट, दिस इज आल्सो टू बी रिप्लेस्ड। सिर्फ इसका आपको एम्प्टी करना है, एम्प्टी करना बस, तब ये आपको मैसेज दिखाएगा कि रिप्लेस नहीं करना इसको, एम्प्टी एम्प्टी करना, खाली एम्प्टी एंड देन ओके। इन दोनों को चेंज करना है, वॉश एंड, हाँ, जब ये खत्म हो जाएगा। ये पर कैसे पता चलेगा खत्म हो गया कि ये पूरा हो जाएगा नीचे तक। और इसका ये भी है ना, शायद इसको 2 मंथ्स में यूज करना होता है, ओपन करने के बाद 2 मंथ्स में। देखिए, वो ज्यादातर हम बाहर रखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, वहाँ पर 1.5 मंथ, 2 मंथ, यहाँ पर कम से कम 3 मंथ भी चलेगा। हाँ, 2.5 मंथ तक आराम से चलता है इसका, जब तक आपको न लगे रिजल्ट में। इसका टेम्परेचर कितने पे रखना होगा इसमें? 18 to 24 यहाँ पर होना चाहिए, इसके आसपास रखना, 18-19। जब तक आपका इसमें वेरिएशन अगर आपको लगता है क्लिनिकली एंड इसके लिए वेरिएशन आ रहा है, तब आप ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके चार चार बोटल्स हैं आपके, उसमें चार है, उसमें चार है, एक एक मैंने, ये हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते, वो मैं दिखाता हूँ कैसे, वो बार में दिखाएंगे, ठीक है ओके। ये मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस क्या, मेंटेनेंस है, इसमें एक तो आता है D1A एंड D1B, ये D1B है एंड ये D1A है, D1B D1A ओके। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है केमिकल? ये एक्चुअली डिप्रोटोनाइज, डिप्रोटोनाइज, डिप्रोटोनाइज एंड कंडीशन के लिए होता है ये। तो इसका मैंने रखा है एवरी 20 डेज के बाद, 20 दिन के बाद आपको सिर्फ मेंटेनेंस करना, चेंज करना इसको, मेंटेनेंस करना उतना। वो कैसे करना? D1A एंड D1B को मिक्स करना है, दोनों को। हाँ, पूरा, हाँ, ये पूरा डाल के इसमें, इसमें हाँ, 2-3 मिनट शेक करके इसको उल्टा रख दीजिए, सो दैट ये मिक्स हो जाए पूरा, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद ये कंडीशन है, ये भी, हाँ, ये इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको पिलाना है, वो यही से 20 दिन के बाद ना। हाँ, 20 दिन के बाद ये खुद वहीं से आपको मैसेज दिखाएगा। इसमें 10 दिन के बाद भी है, 7 दिन के बाद भी, वो वहाँ पर है जहाँ पर लोड हाई ज्यादा उतना होगा, तभी मैंने 20 दिन का रख दिया। तो ये कंडीशन है, कंडीशन आपको ये करना पड़ेगा, पहले ये कंडीशन देना है, फिर उसके बाद ये देना। पहले नहीं, पहले डिप्रोटोनाइज, पहले डिप्रोटोनाइज, यहीं से। हाँ, सब डिप्रोटोनाइज, माइनर माइनर जो होते हैं प्लॉट। तो ये कैसे मांगेगा, इसमें कुछ सेटिंग है? हाँ, वो भी मैं दिखाऊंगा, वो दिखाएंगे आप, ठीक। वो क्या है फिर तीसरा? अच्छा, ये SCT के लिए, कि आपको तो यूज नहीं करना क्या है ज्यादातर SCT के लिए ना, एक ये SCT को एक स्लोप के लिए होता है, लाइक इसके वैल्यूज होते हैं, हेमेटोक्रिट का, हेमेटोक्रिट का। अच्छा, तो मैं करके दूंगा आपको, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसको ऑन ही रखना है ना, लगा के इसमें ऑन रखना है, स्टैंड बाय पे, अगर लाइट भी चले। स्टैंड बाय कैसे करना है मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको कंप्लीट करके स्टैंड बाय में रखना है और कुछ नहीं करना। कैलिब्रेशन रोज एक बार करना है। कैलिब्रेशन ऑटो कैलिब्रेशन करेगा, ये खुद करेगा, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। स्टैंड बाय में जब मशीन है ना, जब आप रिस्टार्ट करेंगे ना, ये कैलिब्रेशन लेगी, आफ्टर कैलिब्रेशन आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, ये हमेशा इसी पे रहना चाहिए, ये कभी कैपिलरी होता है, लाइक आपका कैपिलरी OT से आता है या किसी का सैंपल नहीं होता, तो इससे कर सकते हैं। ये QC के लिए, QC का जरूरत नहीं, ये DF है फ्लूइड्स के लिए, तो आपका ज़्यादातर इसी पे रहेगा, ठीक है, ठीक है। एंड ये सेटिंग है, ये कैलिब्रेशन है, इसमें आपका फुल 1.2 पॉइंट, pH 1 पॉइंट, इलेक्ट्रो, इसके साथ कुछ भी नहीं करना। आपने कहाँ से दबाया? ये जो ऊपर है ना, ये सेटिंग्स का, इस पे सेटिंग्स करके कैलिब्रेशन मेंटेनेंस, इस पे कुछ नहीं करना आपको, कैलिब्रेशन के साथ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो कभी ज्यादा से ज्यादा कभी हो जाए तब आप मैनुअली कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटो करता है। तो सेकंड वन इज मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में आपके दो चीज ज्यादा आपको यूज करना, डिप्रोटोनाइज, जब हमें डिप्रोटोनाइज करना पहले इस पे दबाना, हाँ, पहले इस पे दबाना, ये लिफ्ट प्रोब बोलेगा, हाँ, आपको अभी नहीं करना, हाँ, लिफ्ट प्रोब करना है, हाँ, तो ये सब करना, इसको पिलाना है, हाँ, तो ये खुद बोलेगा क्लोज द सैंपल, क्लोज द प्रोब एंड, ठीक है, हाँ, ये खुद बोलेगा वहाँ पर, ये बैक कंडीशन में भी सेम यही रहेगा, हाँ, लिफ्ट द प्रोब एंड स्प्रेड द कंडीशन, ठीक है। तो इसको भी बैक करके, ये मैंने आफ्टर 20 डेज के बाद रखा, प्राइम पे जाना ही नहीं है उसके बाद, प्राइम पे कुछ नहीं करना, ठीक, नथिंग, डिसइंफेक्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको दो चीज पे करना है,
डीप रोडनेस एंड कंडीशन। डीप रोडनेस पे क्लिक करें, लिफ्ट प्रोब करें, ये आपको खुद बताएगा क्या क्या करना है। ठीक ठीक है, बट मेक श्योर कि ये जो है पूरा मिक्स होना चाहिए, ये मिक्स होना चाहिए एंड प्रोब इसमें होना चाहिए। ठीक है, बस ये कितना है हमारे पास? ये है आपके पास चार, एक तो मैंने कर दिया, तीन है अब, तो ये हो गया। ये ट्रबल शूटिंग के साथ आपको यूजुअली ज़्यादा करना नहीं है, जब होगा तो मैं आपको कॉल पे बताता हूँ। कॉल पे बताएं। हाँ, ट्रबल शूट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, प्रिंटिंग ऑप्शन में ज़्यादा है इसमें। तो सिस्टम सेटअप में ज़्यादा मसला ये है कि इसमें एक डेट एंड टाइम का है एंड पैरामीटर्स का। देखिए पैरामीटर्स आप इसमें कभी कभार क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट आपको चाहिए। हाँ। तो इसमें आप एबीजी ऑफ कर सकते हो, एक सिंगल पैरामीटर का भी कर सकते हो, लाइक मेजर में। हाँ। आप पीएच भी कर सकते हो, आपको सिर्फ पीसीओ टू का चाहिए, बाकी इसको कैल्शियम ऑन क्यों नहीं रखा? इसके कैल्शियम के बदले क्लोराइड हमने रखा हुआ, इसमें दो, इन दोनों में से एक लग सकता है। कैल्शियम रखो, इलेक्ट्रोड तो क्लोराइड का ही है मेरे पास। अच्छा, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलाइट अलग से मंगाना होता है? नहीं, या तो आपको कैल्शियम मंगवाना पड़ेगा या क्लोराइड, वो वाला है। हाँ, दोनों में से एक। अब क्लोराइड से आपको क्या फ़ायदा, इसमें आपको एनायन गैप बाकी भी मिल सकता है, तो हम ज़्यादातर क्लोराइड ही देते हैं। तो आप इसका ये है कि आप सिंगल पैरामीटर भी कर सकते हो एबीजी, तो ये आपके तक है, ये कैलकुलेटेड है इस बेस इसका सारा। एंड ऑक्सीजनेशन, इसमें आपका ऑक्सीजन कंसनट्रेशन सैचुरेशन, हाँ ये मैंने करके रखा है। तो बाकी यह सच इलीगल भी होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ रिस्टार्ट और ये एक कैलकुलेशन लेगी, तब तक आपको खुद ही रेडी हो जाएगा। हाँ, खुद आएगा कि हम रेडी है, ये हाँ वहाँ से खुद आएगा, रेडी है, ऐसे ही आएगा। फिर अब हमें कब पता चलेगा कि जैसे मैं आई, मुझे सैंपल डालना है, मुझे कब पता है कि मुझे अब सैंपल डालना है? ये है ना रेडी, रेडी है ना सैंपल? ठीक है, दिखाओ आप। रेडी 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 है ना ऊपर? हाँ अच्छा, रेडी। हाँ अच्छा, हाँ चलो ये उठाओ। हाँ ये देखिए, इसमें ज्यादातर ये गैप हो सकता है, मतलब एयर जा सकता है। लेकिन ये ऊपर तक पी, एक बीप की आवाज आएगी। ऊपर तक डालना है? देखिए अभी नहीं आया, ये आ गया। नहीं, आप रखे इसमें, इसमें अभी रखे। ये है ना ऊपर कंफर्म सैंपल टाइप। हाँ। आपका सिरिंज है। हाँ। अभी ऐसे रखे, जब आपको बोलेंगे होल्ड सैंपल प्लेस और क्लोज प्रोब कैंसिल, अभी आपको ऐसे रखना। अच्छा, इसको हमें पुश करना ऊपर? हाँ हाँ, पुश थोड़ा सा करना है, थोड़ी सी बीप आएगी और ये रिमूव सैंपल एंड क्लोज प्रोब। इसको आराम से लेकिन करना है, बिल्कुल रिमूविंग सैंपल, ये जा रहा है इलेक्ट्रोड्स में। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? एक तो सिरिंज है और सिरिंज है, कैपिलरी का है, ज़्यादातर सिरिंज ही ठीक रहता है। नहीं बट है ना, जैसे हमारे पास कैपिलराइज्ड। अच्छा ठीक, इसमें से नहीं कर सकते जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं? उसमें भी कर सकते, उसमें वेरिएशन आएगी आपको। किसका ये था? इंटरप्रेशन डेटा है, ये 50 वाला कर सकते हो। पेशेंट आईडी, आईडी यूनिक होता है। हाँ। नेम तो सेम रहता है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आईडी सेंटर किया। ठीक, अब दीजिए नंबर। टेंपरेचर वेंपरेचर नहीं देना है ना? कुछ भी नहीं, 8760 8760। एंटर, बस ऐसे प्रिंट निकलेगा। इसका प्रिंटर का वो भी लाया आपने? खत्म नहीं है इसमें, अगर आपका यहाँ पर वो है, ये क्या बोलते हैं, CBC मशीन है आपके पास? हाँ। उसके प्रिंटर को CBC का तो मैं भिजवा दूँ। ठीक है, उसमें लग सकता है ये आपका रिजल्ट। ठीक है, ये हिसाब का डिस्टर्ब करो ना, बस हो गया। नहीं एक मिनट देखिए, उसके बाद ये भी करो ना, ये तो है। अच्छा, इसके बाद पूरा कैलिब्रेशन होने देना या दोबारा करना है? ये तब खुद ही बोलेगा, अगर कैलिब्रेशन पे जाएगा तो फिर कैलिब्रेशन पे देना पड़ेगा। कैलिब्रेट तो करना ही नहीं ना हमें, आपको नहीं करना, हमें अब दूसरे सैंपल के लिए वेट किए, खुद ही बोलेगा। हाँ, ये खुद ही बोलेगा। ये देखिए, अभी एक एरो आ रहा है, ये बैक है, मतलब नीचे में, ये आप देख सकते हैं पूरा सारा। अब यहाँ पर एक एक एरो आएगा, जो बैक एरो आएगा,
अब आप उस पर क्लिक करके बैक किया आगे करें क्लिक आगे फिर अब रेडी है हम रेडी अब एक और सैंपल एक और सैंपल डालें क्या और ऊपर ये यहाँ से कर सकते हैं थोड़ा सा करो उस पर दबा और दबा इसी में रखना इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना प्रोब का आपको देखना है कि थोड़ा सा जो पिस्टन है ना हाँ। ये पूरा ऊपर नहीं कि आप ये लगाए हाँ। तो उसके साथ टकरा जाए अच्छा अच्छा हाँ तो इसीलिए आपको दो ये नीचे अपने आप होता है ना आपके दो हैंड्स इसमें जरूर यूज करने एक से देंगे तो कभी कभार सैंपल कम होता है इतना भी नहीं निकलता उसमें यहाँ से टच करना क्या करना कुछ भी नहीं इस पलंग के साथ टच होने मत दो उसके साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हाँ बट ये है कि थोड़ा ऊपर डालना हल्का आपको खुद एडजस्टमेंट करना मगर क्योंकि अगर आप कहते हैं ना हम नीचे रखेंगे तो सैंपल भी नीचे आएगा ना इसलिए हमें इतना ऊपर तो रखना ही पड़ेगा ऊपर रखना पड़ेगा ना तो राइट हैंड से आप प्रोब को थोड़ा सा ऊपर करें ये दोबारा ही सैंपल आया क्या अभी कौन सा किया था मैंने ये किया अभी ये किया ना अभी वो किया आपने हाँ ये किया 8701 पेशेंट आईडी नहीं हाँ 8401 मोहम्मद रजा ये मोहम्मद रजा का है ये वाला ईसा का है डाला सिर्फ सैंपलिंग का ज्यादा ख्याल ठीक तब हमें क्या करना है जैसे अगर इसको मैं नीडल इसमें है तो नीडल को ही थोड़ा ऊपर करना है अगर नीचे ज्यादा आ रहा है इसमें सिर्फ ये रजा का है ना रजा का क्या ना है 8401 ये एंटर पेशेंट डेटा के लिए ये क्या आ रहा है इसमें ये एसटी का स्लो है वो मैं देख के रखती हूँ इसमें इसमें कभी कभी की जरूरत है हमें तो फिर नहीं रखा है आपने नहीं अभी नहीं रखा है रख देना ना निकालो इसका एक कितना सैंपल है 200 ना क्या एक इसका हाँ 200 तो ये मिलेगा सिर्फ स्टैंड बाय में रखिएगा स्टैंड बाय के बगैर ये कंटिन्यूअसली फिर ये करेगा स्टैंड बाय में जरूर रखना जैसे जो है बस जाते टाइम स्टैंड बाय रात में बंद करना कि नहीं स्टैंड बाय ना स्टैंड बाय ठीक बंद नहीं करिए और इसको थोड़ा उस ठंडे सी जगह पे ही रखो बेटर है ताकि ये देर तक रहे ना 18 डिग्री जहाँ नहीं 18 से 24 है ना ये ब्लैक है इसका एरो नीचे की तरफ है नीचे की तरफ ऐसे करें ये ओपन हो गया ठीक है अब इसके नीचे एक स्विच है हम ऐसे नहीं निकाल सकते इसको इसको एक राइट की तरफ और स्विच को ब्लॉक करें इसमें अच्छा ये सारे ये राइट है हाँ ये देखो वापस इसको कर सकते ये राइट करना है हाँ राइट करके बहुत तेज दबाना पड़ रहा है ये करके इसको ऊपर करना हाँ, हाँ। ओके अब आप निकाल सकते हैं लाइक हम सोडियम को निकालना चाहते हैं सोडियम को निकाला से ठीक है इसमें एक रिफिल सोल्यूशन पड़ता है इस पे लिखा है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड सारे हैं इसमें ठीक है सर इसी तरह हीमोटोक्रिट का भी हाँ हीमोटोक्रिट का एक ये आता है हीमोटोक्रिट को नहीं करना है आपको हीमोटोक्रिट से कुछ भी नहीं करना है आपको उसमें कोई रिफिल नहीं पड़ता PO2 में PCO2 में SCT में इसमें कोई भी रिफिल नहीं पड़ता अच्छा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड पीएच 20 डेज में बस नहीं खुद बोलेगा जरूरी नहीं है हां ठीक रिफिल बोलेगा नॉट अवेलेबल फिर ये देखना पड़ता है कि इसमें है कि नहीं है तो वो करना पड़ेगा बस फिर हमें इसको राइट राइट से और इसको ब्लॉक ब्लॉक हाँ बस हाँ हो गया ना अब ये रिलीज होंगे आराम से आप निकाल सकते हो इनको दूसरे को हाथ से हाँ ठीक नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं हाँ बस रिफिल कैसे करेंगे ये देखिए रिफिल पहले निकालना सोडियम को निकालेंगे ऐसे हाँ। हमेशा दोनों हैंड यूज करें आप ठीक इसको निकालें आराम से ये ऊपर से इसका इलेक्ट्रोड निकलता है अच्छा।
फिर उसमें कितना डालेंगे हम, कैसे पता चलेगा? उसमें आपको डालना है यहाँ तक, ये दिख रहा है मार्किंग, हाँ ये दिख रहा है ना यहाँ तक, डालेंगे कैसे? ये आपको इस तरह निकाल के इसमें ऐसे डालना, ठीक है, मैं आपको ऐसा चारों में डाल सकते हैं। सिर्फ बबल नहीं होना चाहिए, बबल नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा टैप भी कर सकते हो सो दैट कि बबल बाहर आ जाए, ये है ना आ रहा ना ऊपर तक, उसी मार्क तक रखना है, हाँ ये फिर वापस कहाँ तक रखा आप, या है ना यहाँ तक, यहाँ तो वापस बंद कर सकते हो, अच्छा इसको निकालना तो कैसे निकालते हैं, ये हो गया सारा, तो अभी ये वापस जब ये अभी ब्लॉक ना, अभी आप निकाल सकते हो आराम से, जो भी निकालना हो, तो लगाने के टाइम ऐसे नहीं लगाना, ऐसे भी नहीं, ऐसे फिर थोड़ा सा देखना है कि सारा अलाइन है, फिर वापस इसको करना, अगर आप ऐसे करेंगे ना डायरेक्टली या इसको छोड़ेंगे ये इसको तोड़ देगा, अच्छा, ठीक, तो पहले आप इसको थोड़ा सा राइट की तरफ, वो लूज हो गया वहाँ से, तो आराम से छोड़ दो, ठीक है आप करें, है ना, जब आप राइट की तरफ लेंगे ना ये खुद ब खुद रिलीज हो जाएगा, अच्छा इधर नहीं दबाना, इधर नहीं दबाना, जब बंद करने टाइम, अब इसका मैं दिखा रहा हूँ, वॉशिंग है 20, इसको क्या बोलते हैं, रेजेंट, जो 20 में डाला वो क्या है, तो अगर आप ये खत्म हो गया, पाँच मिनट में आपको खत्म हो गया, आप चेंज करना, आपको कुछ भी नहीं करना, वहाँ से बोतल निकाल के जैसे ये आपका न्यू बोतल है, ये आपने लानी है, उसे खोलना, सिर्फ ये सीधे खींचना है, इसको घुमाना नहीं, खींचना है, खींचना भी है जैसे आपको ये रहे, सिर्फ निकाल के वो लगा दें, ठीक है, और ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर रहना चाहिए, है ना, लाइक 90 डिग्री पर, ठीक, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सेम इसके साथ, ठीक है, इसका टेढ़ा हो गया ना ढक्कन, मैं इसको निकालूं, आराम, इसको आराम से निकाल सकते हैं, ये वेस्ट, इसको ऊपर करना है, हाँ अच्छा, ऊपर करना है, ऊपर करके या ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको तो हमें, हाँ इसको घुमाना पड़ेगा, घुमाना है कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कर सकते हैं, घुमाना नहीं ऊपर रखी, जैसे आपको आराम से, जैसे अच्छा ऐसे, हाँ फिर वापस ऐसे, ठीक ठीक, हाँ बस निकल जाएगा, सिर्फ आपको ज़्यादा प्रोब का ख्याल रखना, प्रोब के साथ ये टेढ़ा वेढ़ा नहीं, वही ज़्यादा इसमें, अब जैसे हम मैं जा रही हूँ तो ऊपर कुछ आ ही नहीं रहे, अभी कैलिब्रेशन चल रही है, अच्छा गैस सिलेंडर है फॉर ABG, अच्छा गैस सिलेंडर फॉर ABG, दिस इज कैलिब्रेशन, दिस इज स्लोप, ABG के लिए आपको स्लोप, ये स्लोप एक कैलिब्रेशन है, हां ये कैलिब्रेशन के लिए स्लोप के लिए सिलेंडर है, हमें कुछ करना है इसके साथ, इसके साथ कुछ नहीं है, कम से कम 1 साल 1.5 साल तक निकलेगा, फिर हमें यहीं पे खुद वो देगा अगर खराब हो गया तो, अच्छा सॉल्यूशन है सब, ये रिफिल सॉल्यूशन, ये इसमें रिफिल सॉल्यूशन, ठीक ठीक है, रेडी रखा हुआ है, ये रिफिल है, ठीक है, और ये मैंने गैस का लगा दिया ना, और ये है आपका गैस के वॉश, 1 2 3 हाँ, चौथा मैंने लगा दिया बफर, बफर ये ठीक है, ये वाला बफर है, बफर ये ठीक है, तो आप ये संभाल के रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये डीप्रोटीनाइजेशन वाला है, हाँ, है ना, ये रिफिल है, ये रिफिल, हाँ डीप्रोटीनाइजेशन मेंटेनेंस वाला यहाँ से डालना है, रिफिल ये है,
रिफिल और कहाँ पे? रिफिल रेडी में सोडियम इसी में नीजल अटैच नहीं होता है ना, हम लगाते हैं इसमें होता है। नीजल कहाँ रखा है? ये सोडियम का। अच्छा अच्छा इसमें तो इसी में रखो ना इसको। मैं रखूँ? हाँ यूज कर सकते हैं। चलो बाद में यूज कर सकते हैं ना। इसी में रखते हैं मैंने। मेंटेनेंस कहाँ रखें? चलो ठीक है सर। आपको किसी को देखना हो कोई मतलब लाइक ओल्ड रिपोर्ट देखनी है, इसमें आप सेटिंग में जाके डाटा रिकॉल सैंपल डेटा आप देख सकते हो। 8760 कौन से यहाँ से सैंपल डाटा में जाना। हाँ फिर यहाँ से आप देख सकते हो कौन 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 है। ठीक है सारा रिकॉर्ड यहीं पर रहेगा। हाँ सारा सारा सैंपल डाटा में जाके देखें डाटा रिकॉर्ड डाटा रिकॉर्ड में सैंपल डेटा सैंपल डाटा। ठीक अब इसका आपने को देखना है फिर यहाँ पर व्यू रिजल्ट व्यू रिजल्ट फिर बैक इंटरपेशन नहीं इसमें नहीं करना आप ये चेंज कर सकते हो। अच्छा चेंज कर सकते हैं नहीं करना इसका चेंज कर सकते हैं ना आईडी चेंज कर प्रिंट रिजल्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है अभी ये सिटी वाला हो गया चल रहा है। वन पॉइंट कैलिब्रेशन इन वन आवर एक घंटा लगेगा लगे। इसको स्लोप को नहीं कैलिब्रेशन को ये सिटी वाला लगा रहे हैं ना।